प्रदेश में सहायक अध्यापक की परीक्षा टीईटी के लिए सुरक्षा व्यवस्था की गई, जिसके लिए एसटीएफ को लगाया गया, जिससे परीक्षा को संपूर्ण रूप से नकल विहीन कराया जा सके। इसी के चलते उत्तर प्रदेश में झांसी समेत 42 सॉल्वर पकड़े गए। झांसी पुलिस को सूचना मिली थी कि झांसी में होने वाली टीईटी परीक्षा में सॉल्वर बैठेंगे। सूचना को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने टीम गठित कर दी, जिसके बाद टीम को देर रात सफलता मिली और 3 सॉल्वर को पकड़ लिया गया जो दूसरों की परीक्षा दे रहे थे। पकड़े गए युवकों ने अपना नाम उमाशंकर पटेल, पंकज वाल्मीकि, प्राचीन कुमार बताया है, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अन्य 2 लोगों की तलाश जारी है। गिरफ्तार करने वाली टीम में स्वाट टीम प्रभारी विजय पांडे, सीपरी बाजार थाना अध्यक्ष सभाजीत मिश्रा टीम के साथ थे। ये सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने जो है किसी दूसरे के स्थान पर एग्जामिनेशन दिया है। इस सूचना पर टीम लगाई गई तो ये एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। उसके पूछने पे 2 लोग और अरेस्ट हुए। एक जो ये लोग स्कैन करके फ़ोटो को ब्लर्ट करते थे, इस प्रकार से बनाते थे कि स्कैन करके फ़ोटो को परिवर्तित कर देते थे, उसमें स्कैन करके फ़ोटो बनाने वाला और कैरियर जो इसको लेकर के गया था, ये 3 लोग अरेस्ट हुए हैं। और जिस अभ्यर्थी के स्थान पर लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, उस अभ्यर्थी को वांटेड किया गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं।